ऑल आर वॉचिंग पंजाब केसरी. मैं हूं आपके साथ नमिता सुष्टा एंड टुडे वी हैव विद अस द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर इन द इंडस्ट्री. यस, ही इज वन एक्टर हु इज अ न्यू एक्टर बट येट ही गेव अ टेरिफिक परफॉर्मेंस इन हिज डेब्यू फिल्म अ रोमांटिक थ्रिलर ये साली आशिकी. एंड यस, ही इज अ स्टार किड ऑफ कोर्स, द ग्रैंडसन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलन ऑफ द कंट्री. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्सेटाइल एक्टर लेट श्री अमरीश पुरी साहब. वेलकम वर्धन ऑन द शो ऑन पंजाब केसरी. बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. वैसे मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी बिफोर टॉकिंग टू यू ऑन योर वर्क फ्रंट, योर करियर, योर फैमिली, आई वुड लव टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. और आपको सब खबर है तो थैंक यू. ऑफ कोर्स, यस, इतनी तो खबर रखनी पड़ती है ना बीइंग जर्नलिस्ट. ऑफ कोर्स. और कमाल है आपका अवेयरनेस, कमाल है. आपको सलाम देता हूँ. थैंक यू सो मच वर्धन. वैसे मैं जानना चाहूंगी व्हाट ऑल आर द प्लान्स, लाइक कीपिंग इन माइंड द प्रायोरिटीज एंड व्हाट ऑल सिचुएशंस आवर कंट्री इज गोइंग थ्रू राइट नाउ. हाँ जी, आवर कंट्री इज गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम और सबके घरों में इतना दुख है फिलहाल और हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम्स है. सबके स्वास्थ्य को लेकर इतनी चीजें कही जा सकती है. बाहर जो दशा है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और दोस्त यारों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि उनके परिवारों में भी, उनके परिवार के सदस्यों में भी कितने लोग हैं जिनको कोरोना वायरस हो गया है. मेरे फैमिली में कई लोगों को हुआ है. तो ऑफकोर्स मूड ऐसा तो नहीं है सेलिब्रेट करने का. और क्योंकि मेरा मेरा जो परिवार है वो हमेशा चाहता है कि छोटे से छोटा बहाना मिल जाए अगर सेलिब्रेट करने का तो करना चाहिए क्योंकि जिंदगी छोटी होती है. और हम कोशिश करते हैं कैसे हम किसी भी छोटे बहाने से फैमिली में कोई गेट टुगेदर रख सके और एंजॉय कर सके. तो ऑफकोर्स इस बार तो सिर्फ मेरे माता पिता होंगे, मेरी बहन होगी, मेरी बहन के हस्बैंड होंगे. और क्योंकि लॉकडाउन है तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, बस शायद केक काटेंगे. फिर प्लान ये भी है कि हर साल हम मेरे बर्थडे पे चैरिटी करते हैं कुछ, क्योंकि दिल को एक सुकून पहुंचता है और वैसे भी इतने लोग हैं जिनको चैरिटी की सख्त जरूरत है. तो हम वो करने की कोशिश करते हैं. इस बार में हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसके माध्यम से हम एक एनजीओ के साथ काम करके 500 बेड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुछ कोविड पेशेंट्स के साथ. तो वैसा कुछ आइडिया है और ये आशा करता हूँ कि दिन अच्छा जाए, सुखद जाए और अच्छी न्यूज मिले, क्योंकि अब पिछले 1.5 सालों से बस बुरी न्यूज पे बुरी न्यूज ही मिलती जा रही है. तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड के कुछ अच्छी न्यूज मिले इस बार. वही मेरा सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट होगा कि नंबर्स घटे और लोग ठीक हो. और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनका तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ. मेरी बहन खुद एक डॉक्टर है, वो फ्रंटलाइन वर्कर है और जिस हिसाब से और जिस किस्म से वो लोगों का ध्यान रखते हैं, the way they just do everything, I just like to dedicate my birthday and my celebrations and the happiness I feel to all our frontline workers. I think उनके बिना तो हम कुछ नहीं है. और डॉक्टर्स तो मेरा सलाम, जितने कर्मचारी है, पुलिस में जितने लोग है, गवर्नमेंट एजेंसीज में जितने लोग है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग है, आई थिंक दे आर द रियल हीरोज. Obviously, we all should give a hats off to them, a salute to them, because as you are perfectly right, ki they are the real heroes of our country and we all should come forward. We are really proud of you ki aap is tarah se aage badhkar logon ki madad karna chah rahe hain. Thank you. Thank you so much. वैसे भी मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस पैंडेमिक ने हमको जिंदगी की कीमत जरूर समझा दी है कि जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखो और बहुत खुश मिजाज रहो, लाइफ को वैल्यू करना सीखो. राइट, बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे आनंद पिक्चर में एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. Exactly. तो मैं उस बात में पूरा विश्वास रखता हूँ. मुझे लगता है कि आप जितने भी साल जिए आप खुल के जिए, खुश होकर जिए, लोगों को खुश करें. और यही मेरी बस एक तमन्ना रहती है, मेरी यही तजवीज रहती है कि जिंदगी हमारी खुशहाल होनी चाहिए. पर ऑफकोर्स हाल फिलहाल में जो बातें हो रही है और जो न्यूज मिल रहा है उससे खुश हो पाना बहुत मुश्किल है. हर रोज मैं उठता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं कि आज इतने नंबर्स है, ये हो गया, वो हो गया. पर फिर मैं मेडिटेट करता हूँ और अपने आप को कहता हूँ कि ये जो संसार है ये बनाया भगवान ने
और वो नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा गलत हो, तो हो सकता है कुछ बैलेंस हो रहा हो, कोई इक्विलिब्रियम रीच होने की कोशिश हो रही हो, देयर इज समथिंग स्पिरिचुअल अबाउट इट, वी जस्ट हैव टू टेक इट इन आवर स्ट्राइड। अरे ये बोलना बहुत आसान है, मेरा एक बहुत जिगरी यार भी है जो मेरी तरह ही सोचता है, और उसके परिवार में किसी का देहांत हो गया, तो उसके बाद उसका जो पूरा मिजाज बदल गया, और जिस हिसाब से मैं उसको देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार ऑफकोर्स ये बोल पाना कि इसमें कोई स्पिरिचुअल बात है और सब ठीक हो जाएगा वो आसान है, पर जब किसी के साथ वो बीतती है ना, तो फिर समझ आता है कि यार पूरा आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत मुश्किल घड़ी है, और बस पर फिर भी हमें हौसला रखना होगा ताकि हम दूसरों को हौसला दे सके। तो ऑफ मैं इस बार बस बर्थडे इसीलिए जितना भी सेलिब्रेट करूंगा इसीलिए करूंगा ताकि मेरा जो परिवार है वो खुश रह सके और उनको एक बहाना मिल जाए मुस्कुराने का। बस मेरे लिए नहीं करूंगा मैं, बस मेरे असिस्टेंट्स मेरे साथ रहते हैं घर पर, वो अच्छा भी इतने कमाल के, दे आर अमेजिंग बिकॉज दे ऑल्सो नॉट लॉस्ट होप, दे आर स्टिल एट इट, वी आर वर्किंग ऑल डे, आई वाज सपोज टू बी शूटिंग राइट नाउ, दे वाज सपोज टू बी ट्रैवलिंग विद मी माय फुल टीम, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि लास्ट मोमेंट परमिशन वापस ले ली गई, और तो मुश्किल घड़ी रही है, हम तो फिर भी घर पे बैठे हैं, और हम छोटी सी दिक्कत को बड़ा समझते हैं, और समझते हैं कि हम भी कुछ सफर कर रहे हैं और किसी चीज से जूझ रहे हैं, पर बाहर अगर हम जाके देखें लोगों की जो हालत है वो इतनी शर्मनाक है, और देख के कुछ होता है, क्योंकि हमारी एक शूट कैंसिल हो गई, मैं इतना परेशान हो गया, पर बाहर लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं लोगों के पास, लोग जमीन पे लेटे हुए हैं और डॉक्टरों से वो भीख मांग रहे हैं दवाइयों की, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स अभी एक दो दिन पहले आया था, तो जो हमारे पास में वो सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं वी एज अ फैमिली, पर बस फिंगर्स क्रॉस्ड, और भगवान मालिक है, और मेरा बर्थडे यही होगा अगर नंबर्स घटे बस। बहुत अच्छी बात आपने कही है, नंबर्स जरूर घटेंगे वर्धन। आई वुड से कि मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि स्टेइंग पॉजिटिव इज द न्यू नॉर्मल दीज डेज, एंड रेस्ट गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना? स्टेइंग पॉजिटिव भी आजकल डर लगता है बोलने को, स्टेइंग कभी-कभी मुझे किसी ने बोला जस्ट स्टे पॉजिटिव, मैंने लाइक आई थिंक इट्स बेटर टू स्टे नेगेटिव, यस एग्जैक्टली, कोरोना ये तो अच्छा रिपोर्ट शुड बी नेगेटिव, या एंड आल्सो आप अगर जरा, मुझे ऐसा लगता है इस घड़ी में ना जरा पेसिमिस्ट होना भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको लगे ना कि यार नहीं बाहर जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा ये अच्छी और बात मास्क नहीं पहनूंगा कुछ हो जाएगा, ये अच्छी क्वालिटी है, तो आजकल मैं लोगों को बोलता हूँ ज्यादा पॉजिटिव मत रहो, रियल रहो, रियलिस्ट रहो, बी प्रैक्टिकल, आइडियलिस्ट मत बनो, बी प्रैक्टिकल, आपको हो सकता है अगर आप बाहर गए आपके रिस्क पे जा रहे हो, आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करना है उनको, मैं तो कहता हूँ घर पे ही बैठो, बहुत अनलेस अच्छी बहुत कुछ जरूरी होता है ना हम निकलते ही नहीं है, हाँ मेरी कितनी मीटिंग्स मैंने मैंने बोल दिया लोगों को कि मैं सिर्फ जूम कॉल पर मिलूंगा, आजकल जूम क्योंकि लिंक इज द न्यू मेरे नॉर्मल। पेरेंट्स अभी सीनियर सिटीजन है। हाँ जी, जूम अच्छा, मैं कह रही हूँ जूम लिंक्स आर द न्यू नॉर्मल कहेंगे, फिजिकल मीटिंग्स लिंक्स आर टेरिफिक, गॉड ब्लेस द मैन हु क्रिएटेड जूम, आशीर्वाद, गॉड ब्लेस आयुष्मान भव, और बस ग्रेट है, जूम पर सारे काम हो रहे हैं, और देखो हम भी जूम पर चैट कर रहे हैं, आपने मुझे बर्थडे विशेष भी जूम पे दे दिए, दिस इज अ न्यू नॉर्मल। बहुत सारी चीजें हैं जो न्यू नॉर्मल में शामिल हो गई है, सो व्हाट्स कीपिंग यू ऑक्यूपाइड दीज डेज एट होम, आई मस्ट आस्क यू, आई थिंक। यू नो आई बिकम अ टेरिफिक कुक, ओ वाओ, आई एम अ ह्यूज, आई एंजॉय गुड कुजीन, बट आई नेवर एंटर्ड द किचन अपार्ट फ्रॉम इफ इट वॉज टू मेक एग्स, और आई लव एग्स, सो अपार्ट फ्रॉम एग्स एंड मे बी अ फ्यू रियली सिंपल थिंग्स, आई नेवर एंटर्ड द किचन बिकॉज वक्त ही नहीं मिला कभी, क्योंकि बचपन में मसरूफ रहा थिएटर में पढ़ाई में, फिर मैं फिल्म में घुस गया, फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट राइटर बना, फिर एक्टर बना, तो वो जो जर्नी थी ना उसमें मुझे कभी वक्त नहीं मिला किचन में जाने का, अभी लॉकडाउन में तो काफी वक्त मिला क्योंकि मैं काम करता था, फिर
एक पॉइंट पे जाके काम खत्म ही हो जाता था, क्योंकि लॉकडाउन में मैं बहुत जल्दी उठ रहा था, सुबह तो 3:30-4 बजे आंखें खुल जाती थी नहीं मेरी। तो रात को ही उठ जाते हो, मतलब 3:30 बजे तो आंखें खुल जाती थी, क्योंकि एक तो माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है कि दुनिया को क्या हो रहा है, और प्लस फिजिकली उतनी थकावट नहीं होती है ना, वरना हम दिन भर भागते दौड़ते हैं तो एक थकावट सी होती है। हम वर्कआउट करते जो 1.5-2 घंटा, उसमें कितना आदमी थकेगा, तो इतनी नींद भी नहीं आती थी। तो सुबह उठ के मैं काम शुरू कर देता था, शाम तक काम काज सारा कुछ खत्म हो जाता था, फिर क्या करूँ। तो मैंने गार्डनिंग किया, अच्छा, वेरी नाइस। मैंने बगीचे को सींचा, फिर मैंने कुकिंग सीखी। मैं कुकिंग सीख रहा हूँ, क्या क्या जबरदस्त कुकिंग खाना बनाता बनाता हो हूँ आजकल, आजकल क्या क्या बना लेते मैं हो? थाई कुजीन सीख रहा हूँ, मैं चाइनीज का भी बना रहा हूँ, सिंपल जो सब्जी रोटी चावल होता है जो इंडियन स्टाइल दाल, वो सारा बना रहा हूँ मैं। अरे वाह, इटालियन मैंने कुछ बनाया, कल मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए पार्ट थाई बनाया। अच्छा, वेरी नाइस। जी तो ये आई बिकम अ गुड कुक, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली। इतना वक्त वक्त तो तो कभी कभी नहीं नहीं मिला मिलता मुझे मेरे तुमको। परिवार वालों के साथ, मम्मी तो खुश मम्मी होगी, पापा मुझे ऐसा ऐसा लगता लगता है। है। हाँ जी, मम्मी खुश हो गई होंगी ना, बेटा अच्छा अच्छा खाना बना रहा है घर पे। बहुत ज्यादा खुश, मेरे असिस्टेंट्स इतने खुश हुए, मेरे पेरेंट्स इतने खुश हुए, हमारे घर में जो हमारे स्टाफ रहते हैं, दे आर सो हैप्पी। और या आई थिंक आई बिकम गुड कुक, तो मेरे बर्थडे पे भी मैं ही खाना बना रहा हूँ, सारा अरे मेन्यू भी वाह, सेट है। व्हाट स्पेशल योर कुकिंग देन ऑन योर बर्थडे? आई एम गोना मेक थाई करी, आई एम गोना मेक जैस्मिन राइस, आई एम ओके, गोना बी मेकिंग माय पेरेंट्स दे फेवरेट इज दे लव थाई फूड, तो आई एम गोना मेक वन पैड थाई अगेन। आई एम ओके, गोना मेक अ टॉम यम सूप, वेरी एंड नाइस। मे बी आई कुक, मे बी आई डोंट नो टू मेक बिरयानी येट, बट आई एम गोना टेक हेल्प फ्रॉम आवर खान साहब एट होम एंड माय मदर। आई थिंक सो बिरयानी इज द या सिंपलेस्ट टू कुक। बिरयानी इज सिंपल, बट सिंपलेस्ट आई टू सून कुक बी है, एबल टू टेल यू, आई डोंट नो येट, पर पर जल्दी जल्दी मैं मैं आपको आपको बताऊंगा। बताऊंगा। मे बी मे यू बी यू कैन कैन शेयर शेयर सम सम रेसिपीज रेसिपीज विद विद मी। मी। डेफिनेटली, यस, मैं बहुत फूडी हूँ, खाने का बहुत शौक रहता है, इसलिए जब भी सुनती हूँ ना खाने के बारे में, मेरे मुंह में पानी कंट्रोल नहीं होता। आई जस्ट कांट कंट्रोल माय क्या बात है, मेरे मुंह में भी पानी है फिलहाल, सेम पिंच। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अगर आपकी फिल्मों के बारे में जानना चाहूँ, लाइक फर्स्ट परफॉर्मेंस तो आपकी बड़ी शानदार रही, रोमांटिक थ्रिलर में आपने लाइक एकदम इम्प्रेस कर दिया सारी ऑडियंस को, अपने फैंस को, एंड थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। अच्छा रिस्पॉन्स भी अपने फैंस से आपको मिला होगा। नाउ द सेकेंड वन, विच इज द लास्ट शो आई थिंक, है ना? सो उसके जी लिए जी आपने उसका नाम लाइक, शायद बदल सकता है, उसका उसका टाइटल टाइटल बदल बदल सकता है। तो आपकी पहली फिल्म का टाइटल भी बदल दिया था सीबीएफसी ने, अभी सेकेंड जी फिल्म अरे का आज बदल आपको यार, आपको बहुत दिया। जानकारी है यार, आप बहुत अवेयर हो, वाह नहीं, सलाम इतनी भी सलाम, नहीं, इतनी भी नहीं, क्या बात थोड़ी है। बहुत। नहीं यार आपको कितना पता है, नहीं, वेरी नाइस यार, यार पागल पागल का का चेंज चेंज कर कर दिया दिया था, था, अब अब इसका इसका भी भी शायद शायद चेंज चेंज हो हो सकता सकता है, है, ऐसा ऐसा डायरेक्टर डायरेक्टर साहब साहब ने ने कहा, कहा, तो ओके, देखेंगे देखेंगे कि कि नया नया टाइटल टाइटल क्या क्या आता आता है। है। नविता नविता इजाजत इजाजत नहीं नहीं दी दी है है कि कि मैं मैं कुछ कुछ बोल बोल पाऊँ पाऊँ कैरेक्टर कैरेक्टर के के बारे बारे में में या या स्टोरी स्टोरी के के बारे बारे में, में, पर पर मैं मैं आपको आपको इतना इतना बता बता दूं दूं कि कि ये ये एक एक बहुत बहुत ही ही जबरदस्त जबरदस्त इंडियन इंडियन कल्चरल कल्चरल सोशल सोशल कॉमेडी कॉमेडी है, है, और और ये इतनी इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है। है। अभी अभी विवेक विवेक अग्निहोत्री अग्निहोत्री साहब साहब को को नेशनल नेशनल अवार्ड अवार्ड मिला मिला है है ताश्किंत ताश्किंत फाइल्स फाइल्स के के लिए, लिए उनको उनको और और पल्लवी पल्लवी जोशी जोशी मैम मैम को, को, रूमी रूमी जाफरी जाफरी साहब साहब जो जो हमारे हमारे भारत भारत के के सबसे सबसे दिग्गज दिग्गज राइटर्स राइटर्स में में से से एक एक हैं, हैं, उन्होंने उन्होंने ये ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखी लिखी है। है। तो तो ये ये जो जो टीम टीम है है इतनी इतनी कमाल कमाल की की है, है, अनुपम अनुपम खेर खेर साहब साहब हैं, हैं, सतीश सतीश कौशिक कौशिक साहब साहब हैं, हैं, कुछ कुछ कमाल कमाल के के को को एक्टर्स एक्टर्स हैं हैं जैसे जैसे वृंदा वृंदा है, है, गोदान गोदान है, है, तो तो हमारी हमारी टीम टीम अशोक 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 पंडित पंडित साहब साहब है है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, तो तो इतनी इतनी कमाल कमाल की की टीम टीम है है हमारी हमारी कि कि मैंने मैंने स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पढ़ी पढ़ी और और मैंने मैंने कहा, कहा, दो दो मिनट मिनट में में मैंने मैंने कहा कहा कि कि सर सर ये ये फिल्म फिल्म तो तो मुझे मुझे करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि एक एक तो तो विवेक विवेक सर सर के के साथ साथ काम काम करने करने का का मौका मौका है, है, इतने इतने दिग्गजों दिग्गजों के के साथ साथ काम काम करने करने का का मौका, मौका, ये ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कैसी कैसी भी भी होती होती ना ना मैं मैं ये ये कर कर लेता, लेता, ऑनेस्टली ऑनेस्टली बोल बोल रहा रहा हूँ, हूँ, अच्छा, क्योंकि क्योंकि मैं मैं इनसे इनसे इतना इतना कुछ कुछ सीख सीख पाता पाता है। है। आपको आपको शायद अंदाजा अंदाजा नहीं नहीं होगा होगा कि कि मैंने मैंने कितना कितना सीखा सीखा है, है। आई नो दैट, सोने सोने पे पे सुहागा, सुहागा, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इतनी इतनी कमाल, कमाल, मैंने मैंने पढ़ी, पढ़ी, मैंने मैंने बोला बोला यार यार ये ये तो तो मैं मैं ऐसे ऐसे ही ही कर कर लेता, लेता, ये ये शॉर्ट शॉर्ट फिल्म फिल्म होती होती या या
कुछ कुछ भी भी होती होती ना, ना, कोई कोई भी भी फॉर्मेट फॉर्मेट होती, होती, मैं मैं ये ये कर कर लेता लेता क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे सबके सबके साथ साथ काम काम करने करने का का मौका मौका मिल मिल रहा रहा है। है। तो तो ये ये हुई हुई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की की बात बात और और टीम टीम की की बात। बात। अब अब मेरा मेरा कैरेक्टर कैरेक्टर बहुत बहुत कमाल कमाल का का है, है, अगर अगर मैं मैं आपको आपको एक एक चीज चीज ही ही बोल बोल दूँ दूँ ना ना तो तो वो वो कैरेक्टर कैरेक्टर आपको आपको समझ समझ आ आ जाएगा जाएगा और और फिर फिर विवेक विवेक सर सर मुझे मुझे फोन फोन करके करके डांट डांटेगा। देंगे। वो वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट है। है। तो तो नहीं नहीं बता नहीं सकते। आई एम जोकिंग एक्चुअली, एक्चुअली इज अ इज अ डार्लिंग, डार्लिंग, आई आई जस्ट 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 स्पोक। स्पोक। एंड या या पर पर मुझे मुझे इजाजत इजाजत नहीं नहीं है है मुझे मुझे बोला बोला गया गया है है कि कि किसी किसी को को कुछ कुछ मत मत बोलना, बोलना, बट बट आई आई कैन कैन टेल टेल यू यू इट्स इट्स एन एन आउटस्टैंडिंगली आउटस्टैंडिंगली फनी फनी कैरेक्टर। कैरेक्टर। आई आई वाज वाज डाइंग डाइंग टू टू डू डू सम सम कॉमेडी कॉमेडी एंड एंड आई आई एम एम गोना गोना गेट गेट द द चांस चांस टू टू डू डू सम सम रियली रियली इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कॉमेडी कॉमेडी विद विद सम सम फैंटास्टिक फैंटास्टिक एक्टर्स। एक्टर्स। सो सो या या इट्स इट्स एन एन आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग फिल्म फिल्म अबाउट अबाउट इंडियन इंडियन कल्चर। कल्चर। इट इट अंडरलाइंस अंडरलाइंस जो जो आर्ट आर्ट फॉर्म्स फॉर्म्स हैं हैं हमारे हमारे इंडिया इंडिया में, में, नौटंकी नौटंकी और और पारसी पारसी थिएटर। थिएटर। तो ओके। बैकड्रॉप बैकड्रॉप जो जो है है फिल्म फिल्म का का वो वो नौटंकी नौटंकी और और पारसी पारसी थिएटर थिएटर पे पे बेस्ड बेस्ड है। है। क्या बात है। नौटंकी नौटंकी पे पे मुझे मुझे जानकारी जानकारी काफी काफी थी, थी, पर पर मैंने मैंने जब जब थिएटर थिएटर किया किया जिंदगी जिंदगी में, में, मैंने मैंने कभी कभी पारसी पारसी थिएटर थिएटर नहीं नहीं किया किया था। था। और और मैं मैं इतना 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 सुनता सुनता था था लोगों लोगों से से कि कि यार यार पारसी पारसी थिएटर थिएटर हुआ हुआ करता करता था। था। मेरे मेरे माता माता पिता पिता कहते कहते थे थे मुझसे मुझसे कि कि पारसी पारसी थिएटर थिएटर इतना इतना मजेदार मजेदार हुआ हुआ करता करता था था और और पारसी पारसी थिएटर थिएटर लोगों लोगों को को लगता लगता है है कि कि सिर्फ सिर्फ हास्य हास्य था, था, सिर्फ सिर्फ कॉमिकल कॉमिकल था, था, पर पर उसमें उसमें ड्रामा ड्रामा भी भी था, था, ट्रेजिडी ट्रेजिडी भी भी थी, थी, रोमांस रोमांस भी भी था, था, सारा सारा कुछ कुछ था था पर पर हाइटेंड हाइटेंड इमोशंस इमोशंस थे, थे, सारा सारा कुछ कुछ जो जो था था एग्जैजरेटेड एग्जैजरेटेड था। था। तो तो वो वो बात बात मुझे मुझे कमाल कमाल की की लगी। लगी। मैंने मैंने कुछ कुछ रेफरेंस रेफरेंस किया किया और और जब जब रेफरेंस रेफरेंस किया किया मुझे मुझे लगा लगा यार यार पता पता नहीं नहीं विवेक विवेक सर सर कैसे कैसे ट्रीट ट्रीट करेंगे, करेंगे, पर पर जो जो बैलेंस बैलेंस रखा रखा उन्होंने उन्होंने रियलिज्म रियलिज्म और और थिएटर थिएटर के के बीच बीच और और जैसे जैसे उन्होंने उन्होंने ब्रिजेस ब्रिजेस बनाए बनाए और और जैसे जैसे चीजों चीजों को को कनेक्ट कनेक्ट किया किया है, है, कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स के के जो जो आर्क्स आर्क्स बनाए बनाए हैं हैं इट्स इट्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। तो तो मेरे मेरे सारे सारे मित्र मित्र यार यार दोस्त दोस्त अक्वेंटेंसेस अक्वेंटेंसेस प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्टर सब सब कह कह रहे रहे थे थे यार यार ऐसी ऐसी फिल्म फिल्म करने करने का का मौका मौका लोगों लोगों को को तब तब मिलता मिलता है है जब जब वो वो 10-20 20 फिल्में फिल्में कर कर चुके चुके हो। हो। तो तो आप आप बहुत बहुत एंड आई भाग्यशाली भाग्यशाली हो हो कि कि आपको आपको ये ये मौका मौका मिला। मिला। तो एंड आई मस्ट टेल कि यस अनुपम खेर सर और अमेजिंग। सतीश कौशिक सर को तो आप बचपन से जानते होंगे। लाइक वो तो आपके दादाजी के साथ काफी काम कर चुके हैं। बचपन बचपन से से तो तो मैं मैं नहीं नहीं जानता जानता था था क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे ज्यादा ज्यादा इजाजत इजाजत नहीं नहीं मिली मिली सेट सेट पे पे जाने जाने की। की। ऑफकोर्स ऑफकोर्स सतीश सतीश साहब साहब ने ने तो तो दादू दादू को को डायरेक्ट डायरेक्ट भी भी किया किया है है कई कई बार, बार, साथ साथ में में उन्होंने उन्होंने एक्टिंग एक्टिंग भी भी की की है। है। अनुपम अनुपम सर सर के के साथ साथ भी भी कितना कितना काम काम किया किया दादू दादू ने ने और और दोनों दोनों के के साथ साथ उनका उनका रिश्ता रिश्ता बहुत बहुत ही ही जबरदस्त जबरदस्त था। था। पर मजे मजे की की बात बात यह यह है है कि कि मेरी मेरी मुलाकात मुलाकात इन इन दोनों दोनों के के साथ साथ दादू दादू की की वजह वजह से से नहीं नहीं हुई। हुई। जब जब मैं मैं असिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर था, था, मैं मैं यशराज यशराज फिल्म्स फिल्म्स के के साथ साथ काम काम करता करता था था और और मैंने मैंने तीन तीन फिल्में फिल्में की की उनके उनके साथ। साथ। तो तो मेरी मेरी जो जो तीसरी तीसरी फिल्म फिल्म थी थी उनके उनके साथ, साथ, शुद्ध देसी रोमांस, उस उस फिल्म फिल्म का का नाम नाम था था दावतेश। दावतेश। ओके, दावतेश वाज़ द नेक्स्ट। तीसरी तीसरी जो जो फिल्म फिल्म थी थी वो वो हमी हमी फैजल फैजल साहब साहब की की फिल्म फिल्म थी थी और और उस उस फिल्म फिल्म में में अनुपम अनुपम सर सर एक एक मुख्य मुख्य भूमिका भूमिका में में थे। थे। उस उस दौरान दौरान मेरी मेरी अच्छे अच्छे से से मुलाकात मुलाकात हुई। हुई। उसके उसके पहले पहले जब जब हम हम प्रीमियर्स प्रीमियर्स और और ट्रायल्स ट्रायल्स पे पे मिलते मिलते थे थे पर पर हाय हाय हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते बस। बस। और और उसके उसके बाद बाद मैं मैं भी भी इतना इतना बड़ा बड़ा हो हो गया गया था, था, वो वो शायद शायद मुझे मुझे पहचानते पहचानते भी भी नहीं। नहीं। पर पर दावतेश दावतेश में में हमारी हमारी मुलाकात मुलाकात हुई हुई और और तब तब हमारे हमारे बीच बीच एक एक बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त रिश्ता रिश्ता बना बना और और मैं मैं हमेशा हमेशा उनके उनके साथ साथ सीन्स सीन्स पढ़ता पढ़ता था था और और हम हम रीडिंग्स रीडिंग्स करते करते थे। थे। मैं मैं उनको उनको क्यूज क्यूज देता देता था, था, मैं मैं उनको उनको तैयार तैयार करता करता था, था, मैं मैं उनको उनको सेट सेट पे पे लाता लाता था, था, मैं मैं उनके उनके साथ साथ रिहर्सल्स रिहर्सल्स करता करता था, था, मैं मैं क्लैप क्लैप देता देता था। था। तो तो अनेक अनेक चीजें चीजें होती होती थी, थी, कभी 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 क्लैप क्लैप भी भी देता देता था था उनकी उनकी सीन सीन में। में। तो तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी देखता देखता था, था, कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम देखता देखता था। था। तो तो वो एक एक रिश्ता रिश्ता बन बन जाता जाता है। है। तो तो तभी तभी मैंने मैंने उनको उनको बोला बोला था, था, मजे मजे की की बात बात है है ये ये स्टोरी, स्टोरी, मैंने मैंने तभी तभी उनको उनको बोला बोला था था एक एक मौका मौका मिला मिला था था हमें हमें कि कि एक एक पिंजरे पिंजरे में में से से ना ना कौओं कौओं को को ऐसे ऐसे छोड़ना छोड़ना पड़ता पड़ता है। है। हैदराबाद हैदराबाद में में एक एक मोहल्ला मोहल्ला है है
हमारा शॉट चल रहा था, ये मजेदार बात है, हमारा शॉट चल रहा था, अनुपम सर ने बोला कि 2 मिनट है हमारे पास, और मैंने देखा कि कोई ऐसे कौन को छोड़ रहा था, मैंने अनुपम सर को बोला कि सर ये हम करें तो इज्जत तेरे पास पैसे है, मैंने बोला सर मेरे पास तो नहीं है, तो उन्होंने बोला अरे मुझे ना ये आर्ट के पैसे, तो आर्ट आर्ट डायरेक्टर जो है ना वो कुछ पैसे देते हैं एक्टर्स को ताकि वो सीन में यूज कर सके, तो उनके पास 20 रुपए थे, 20 रुपए पड़े थे उनके उनकी जेब में, तो उन्होंने 10 रुपए मुझे दिए, 10 रुपए खुद रखे, और वो ऐसे कौवे को हमने उड़ाया, उनके कान में कुछ कह के उन्होंने ऐसे कौवे को ऐसे ऐसे हमारे बदन से छुआ और उड़ा दिया। तभी मेरी तमन्ना बस एक ही थी कि एक दिन मुझे अनुपम सर के साथ काम करने का मौका मिले और मैं उस फिल्म में हीरो बनूं और सर मेरे साथ रहे। क्या बात है यार, ये तो मतलब कमाल हो गया। ये मैंने अनुपम सर को बोला भी है। तो कट टू इतने सालों बाद हम साथ काम कर रहे थे और मैंने उनको याद भी दिलाया, क्या बात है यार, ये तेरी दुआ थी, ये तेरी तमन्ना थी, मैंने बोला जी तो ये कमाल का किस्सा। अब तो मुझे लगता है हैदराबाद के मुर्गी मोहल्ला जाना पड़ेगा, है ना? आपको जाना ही चाहिए, कमाल है, क्या जगह है, बहुत अच्छी जगह है और वहाँ के लोग इतने डार्लिंग से बहुत अच्छे लोग। सतीश सर के साथ भी मेरा ऐसे ही कुछ हुआ। अच्छा, सतीश सर जब मैं मेरी फर्स्ट फिल्म देख रहा था तब जो फर्स्ट सीन था उसमें हमें एक सीनियर एक्टर चाहिए थे जो सतीश सर ने ना पूछा कौन है तू क्या है कुछ नहीं, उन्होंने बोला अच्छा मेरे लिए रोल है, मैंने बोला हाँ जी सर, फिर उन्होंने पूछा कि तुमने किया क्या, मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला इतने बजे मेरे ऑफिस आ जाइए। अच्छा, उनके ऑफिस गया, मैंने उनको नरेट किया रोल और तब तक उनको पता चल गया था कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं मेरा रिश्ता दादू के साथ गया, और वो इतने ओपन हार्टेड थे, इतने एनकरेजिंग थे। 2 मिनट उन्होंने फिल्म की नरेशन सुनी, आपके साथ काम तो करना, ये दूसरा रोल है जिसमें मैंने आपको ही सोचा था, पर मैंने सोचा कि आप, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया, मैंने सोचा आप बड़ा रोल आप, पर ये स्पेशल अपीयरेंस अगर आप कर सके ना सर मेरी फिल्म कमाल की बन जाएगी। उन्होंने 1 मिनट के अंदर हाँ कह दिया, नरेशन सुन के, कैरेक्टर सुन के, उन्होंने कमाल के सजेशन भी दिए, उधर बैठे बैठे ही हमने वो रीडिंग भी कर दी, उन्होंने कॉस्ट्यूम भी अपना फाइनल कर दिया, उनके मेजरमेंट्स भी ले लिए, कॉस्ट्यूम बनने को चला भी गया और 4-5 दिनों में उन्होंने शूट भी कर लिया। तो वो जो कमिटमेंट उन्होंने दिखाया और जो फेथ उन्होंने मुझ में और मेरे टीम में दिखाया, मैं उनको सलाम करता हूँ। तो ऐसा कुछ एक रिश्ता बन गया हम सबका और ये मेरी स्टोरी रही है अनुपम सर और सतीश सर के साथ। सतीश सर, अनुपम सर को आई हैव इंटरव्यूड पर्सनली, तो दे बोथ आर जेम काइंड ऑफ अ पर्सन, जेम्स, लाइक टू टॉक टू देम ऑलवेज, दे आर अमेजिंग, दे आर अमेजिंग एंड दे आर ग्रेट टीचर्स, आई मस्ट टेल यू। वर्धन, इफ आई आस्क यू लाइक व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अबाउट योर चाइल्डहुड डेज विद योर दादू, सो क्या याद करते हो आप सबसे ज्यादा? हमारे जो कॉन्वर्सेशन होते थे ना वो बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, कभी कभी हम बहुत डीप बातें करते थे, कभी कभी हम बहुत ही स्मॉल टॉक करते थे जिसमें कोई दम नहीं होता है पर मजा आता है करने में, तो वो भी करते थे। हम बहुत सिनेमा देखते थे, रिपीटेटिव मोड साथ में सिनेमा, बार बार एक फिल्म को देखते थे, बार बार। अरे यार आपको तो लोग हैं जो अभी इंडस्ट्री में आए, लेकिन आप तो काफी सीनियर हो क्योंकि आप बचपन से काम कर रहे हो, थिएटर भी आपने काफी, मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, सीनियर तो बिल्कुल नहीं हूँ, सीनियर शब्द से मुझे डर लगता है क्योंकि जब आदमी सीनियर हो जाता है तो मतलब रिटायरमेंट की ओर जा रहा होता है, मैं तो बहुत, मैं बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता।
अच्छा, मैं इसलिए बोल रही थी ये बात कि रेपिटेटिव मोड पे, बिकॉज मुझे बड़ी अच्छी लगी वो चीज ये कि एक बार आप वो एक्चुअली करते थे। देखो, फिर स्क्रीन प्ले के लिए, फिर कैमरा एंगल के लिए, जिससे आप डिफरेंट तरह का नजरिया जो है फिल्म में देख पाओ, मतलब डिफरेंट एंगल से फिल्म को देखा। दैट्स रियली नाइस। दादू हमेशा ये कहते थे कि यार एक फिल्म को ना आप बार बार देखो तो आपके वो जहन में घुस जाती है चीज। एक बार आप देखो एक्टिंग के लिए, एक बार देखो स्क्रीन प्ले के लिए, एक बार देखो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, एक बार देखो कैमरा वर्क के लिए, एक बार एडिट के लिए देखो, और आप मानोगे नहीं तब मैं कर नहीं पाता था, पर आज सबकॉन्शियसली और विद फुल अवेयरनेस मुझे पता नहीं, पर मैं कोई भी फिल्म एक बार ही नहीं देख पाता। मैं कोई भी फिल्म कम से कम 6-7 बार देखता हूँ। मैंने अभी आदत हो गई, हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी, आपको भी देखनी चाहिए, मुझे पता नहीं अगर मैं प्रमोट कर सकता हूँ फिल्म पर, एक फिल्म है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है मैल्कम एंड मरी। ओके, अब देखना वो फिल्म, वो पूरी फिल्म एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ कपल पे बेस्ड, आउटस्टैंडिंग फिल्म, लॉकडाउन में बनी एक घर में। वाओ, आई विल और डेफिनेटली प्लीज देखिएगा मैल्कम एंड मरी। वो फिल्म मैंने 7 बार देखी और मैं रोज देख रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि मैं पागल हो गया, पर बस एक रिवाज सा बन गया कि अगर मैं एक फिल्म बार बार नहीं देखूं तो मुझे लगता है मैंने ठीक से उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं। ये आर्टिस्ट काम करते हैं पिक्चर के पीछे, हर एक आदमी के एफर्ट को आपको सलाम देना पड़ता है, और जब तक आप एक चीज बार बार नहीं देखो, जैसे आप आर्ट गैलरी में जाते हो, आप एक पेंटिंग जो है आप जब तक ऐसे बैठ के उसको ठीक से देख न लो, आपको समझ नहीं आएगा कि आर्टिस्ट ने क्या कहने की कोशिश की है। वो सिर्फ पेंटिंग तो नहीं कर रहा है ना, आर्टिस्ट ने कुछ कहने की कोशिश की है और आपको उसको समझना है और इंटरप्रेट करना है। हो सकता है आपका और मेरा देखने का तरीका और समझने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल ही अलग हो, पर आप कुछ समझेंगे, मैं कुछ समझूंगा। अब वो स्टिल इमेजेस, मूविंग इमेजेस जो होते हैं ना, उसमें वैसे फोकस कर पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो मूविंग इमेजेस है, आपको एक सेकंड में 24 इमेजेस दिख रहे हैं। फिल्म में 24 इमेजेस आप एक सेकंड में देखते हो ना, तब वो फिल्म मूविंग होता है। अच्छा, तो इसीलिए मैं कितनी बारी एक फ्रेम को बस पॉज करके देखता हूँ कि यार ये तो कमाल है, या नहीं भी कमाल है तो कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो वैसे मैं फिल्म देखता हूँ, और ये मुझे मेरे दादू ने सिखाया है, तो मैं वो सारी घड़ियां मिस करता हूँ। मैं जो भोजन करते थे हम साथ में वो मिस करता हूँ, जो लॉन्ग ड्राइव्स पे दादू मुझे लेके जाते थे वो मिस करता हूँ, दादू के साथ बस बिस्तर में लेट के जो हम मस्तियों में कुश्ती लड़ते थे वो भी मिस करता हूँ, दादू और दादी के बीच में सोना मिस करता हूँ, उनके परफ्यूम की जो खुशबू थी वो मिस करता हूँ, उनके हैट पहनने का जो अंदाज था वो मिस करता हूँ, फिर उनकी आवाज मिस करता हूँ, क्योंकि जब उनकी आवाज सुनता था ऐसा लगता था कि मैं घर पे हूँ। आई यूज्ड टू फाइंड होम इन हिज वॉइस, इन माय डैडीज वॉइस। तो वो जो टू सी सच अ सच अ ब्यूटीफुली सक्सेसफुल जायंट, सो नॉर्मल, सो एवरीडे एट होम विदाउट एनी एयर्स, विदाउट एनी प्रिटेंस, नो एरोगेंस, सो मच ह्यूमिलिटी, वो देखना ही एक एक किस्म का मरहम था, एक दवाई थी। तो वो मिस करता हूँ मैं बस। आई जस्ट मिस माय बेस्ट फ्रेंड्स, माय दादू, माय दादी, माय नाना नानी, ऑल माय ग्रैंड पेरेंट्स, ऑल माय बेस्ट फ्रेंड्स, दे गॉन अवे। एग्जैक्टली, यू हैव सेड इट एब्सोल्युटली करेक्टली कि द दादा नान दादा दादी नाना नानी आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अ किड। दे आर आई हैव नेवर हैड बेस्ट फ्रेंड अपार्ट फ्रॉम देम। आई ओनली हैव My other best friends are, my parents and my siblings, jitne mere best friends hain, jinke saath koi khoon ka rishta nahi hai, but they are just like my family. To of course wo hai, par jo ek dadu dadi ke saath aur nana nani ke saath ek rishta hota hai na, mujhe lagta hai ki wo aapke khud ke mata pita ke saath bhi nahi ho sakta. बिल्कुल सही, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग ही रिश्ता है। मेरे मम्मी पापा और मैं बहुत करीब है, पर जो एक
मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो एक अनकंडीशनल काइंड ऑफ लव था ना, वो आपको पेरेंट्स से भी नहीं मिलेगा, माँ बाप से भी ज्यादा होता है। पेरेंट्स आपको एक हाँ, क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपसे, आपके उनसे होते हैं, जो एक बहुत ही वर्ल्डली बात है, ये समझ जाने वाली बात है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पेरेंट्स आपको ये देंगे वो देंगे, नॉट मटेरियलिस्टिक बट इमोशनली आपके पेरेंट्स को लगता है आप उनको ये करेंगे वो करेंगे, पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को सिर्फ आपका वक्त चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और आपको उनका सिर्फ वक्त चाहिए, प्यार चाहिए। तो ये जो अनकंडीशनल लव है ना, अगर ऐसा लव आपको किसी दूसरे इंसान में मिल जाए तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। ये अच्छी बात है। ओके, सो माय वन लास्ट क्वेश्चन टू यू वर्धन इज कि लाइक सिंस योर ग्रैंडफादर अमरीश पुरी साहब वाज इज एन आइकॉनिक कैरेक्टर इन द इंडस्ट्री एंड देन ही हैज प्लेड सो मेनी कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन एंड लिव्ड सो मेनी कैरेक्टर्स आई मस्ट से ही हैज रूल्ड ओवर द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 4 decades सो इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी और चांस टू रीइनकार्नेट वन ऑफ हिज कैरेक्टर ऑन स्क्रीन देन व्हिच कैरेक्टर इट वुड बी फॉर यू I can choose maybe 250. It makes me teary-eyed. It's so honest. A lot of character, and it's based on my great grandfather. Okay. His personality is based on my great grandfather. Mm-hmm. But I would like to play Chaudhary Baldev Singh from Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. I feel one of the best written characters and the honesty that he brought to it and the power he brought to it along with being emotional. Just playing a father so effortlessly. With the strictness, with the love, everything so beautifully balanced, everything was in the eyes, everything, the emotions were in the voice and the eyes, and the body language so authentic. So I would love to, when I'm possibly 55 or 60, I'd love to play Chaudhary Baldev Singh from Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. And we would love to watch you as Chaudhary Baldev Singh from Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Thank you. When I'm 55, I think you'll be 35, so you'll be able to enjoy it. नहीं, 20 years का gap नहीं है, अभी मैं age नहीं बताने वाली अपनी कितनी है। मैंने तो guess कर भी लिया। अच्छा, कितनी फिर बता दो, चलो, लड़कियां तो खुश हो जाती हैं कम उम्र सुनने पे। You can't be more than 25. Oh, you guessed it absolutely correct. Thank you. Thank you so much for talking to us. It was wonderful having a word with you here. It was amazing speaking with you and thank you for brightening up my day. Thank you. And once again, wish you a very, very happy birthday. Thank you so much. Thank you and take care of yourself. Be safe. Wear a mask. Thank you. Of course. You also please be safe. Take care. Thank you. Thank you so much. Pass my love to your family. Bye. Definitely. Bye-bye.